और बात करते हैं मारपीट की इस तस्वीर को देखिए। ये सभी रिम्स के निजी एम्बुलेंस चालक है। एम्बुलेंस चालकों की पहुंच रिम्स में इतनी है कि अगर आपने इनसे पंगा लिया तो रिम्स में आपका भगवान ही मालिक है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। रिम्स के हर बेड तक है दलालों की पहुंच। पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये पुरानी कहावत थी, अब नई कहावत है, जहां न पहुंचे भगवान वहां पहुंचे प्राइवेट शैतान। आज कुचाइएगा नहीं, हमको दिल किसी का नहीं दुखाना है, लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या है? समस्या ये है कि लोग हरकत ही ऐसी कर देते हैं कि मजबूरी में हमें इनको शैतान कहना पड़ रहा है। अब भाई देखिए, डॉक्टर साहब अच्छा काम करते हैं तो हम ही लोग भगवान बनाते हैं, अब निजी एम्बुलेंस चालक गुंडागर्दी करेंगे तो हम तो उनको शैतान बुलाएंगे ही। गजब बात यह है कि निजी वाले शैतानों का पूरा सिंडिकेट चलता है, और रिम्स के बाहर तो छोड़िए, हर वार्ड हर बेड तक इनकी पहुंच है, मतलब वहां तक भी जहां तक खुद मिस्टर इंडिया भी नहीं पहुंच पाते। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक मरीज को लेकर हम आई डिपार्टमेंट में गए थे, और स्थिति इतना भयावह है वहाँ कि जो स्टूडेंट जो लड़के वहाँ पावर चेक करते हैं आँख का, वही दलाली करते हैं, वही मरीजों को पकड़कर पूछताछ करते हैं कि चश्मा बनवाना है, अगर बनाना है तो हम बना कर देंगे। तो ये दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी संस्था में, इतना सिक्योरिटी व्यवस्था में, और इस तरह की घटना घट रही है। रिम्स के स्टाफ ही उसके दलाल बन चुके हैं, तो ये रिम्स का सुधार कैसे होगा? इसका तो भगवान ही मालिक है। देखिए, रिम्स में व्यवस्था हर चीज की, लेकिन व्यवस्था खुद ही व्यवस्थित नहीं है। मसलन सरकारी एम्बुलेंस और मोक्ष वाहन, ये व्यवस्था गरीबों के लिए निशुल्क है, लेकिन इस व्यवस्था के लिए आपको 13 तरुज्जत से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर शायद आपको ये सुविधा मिले, वरना फिर रिम्स के कर्मचारी आपको प्राइवेट शैतानों की तरफ धकेल देंगे। पैसा दीजिए, सेवा लीजिए। हम लोग लाल कार्ड पीला कार्ड से फ्री जाते हैं, झारखंड के कोई भी कोना हो, सब जगह फ्री हम लोग लेके जाते हैं, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस वाला भाड़ा को छोड़ता ही नहीं है ताकि सरकारी सुविधा उसको प्राप्त हो पाए। पूरा सेटिंग है ट्रॉली, बहुत बहुत ज्यादा ट्रॉली मैन बोलता है, हर एक वार्ड में ही सारा चीज है, सिस्टर से लेके ट्रॉली मैन से लेके गार्ड से लेके आपका सभी सारे कोई लगे हुए रहते हैं। अब रिम्स का पक्ष भी सुनिए। क्योंकि रिम्स गरीबों के लिए है, झारखंड के गरीब मरीजों के इलाज के लिए बना है, तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार की इस तरह की बात अगर होती है तो वो गरीबों के लिए एक गलत कदम होगा, तो इसके लिए प्रबंधन को ध्यान देना होगा, और हम समझते हैं कि प्रबंधन ध्यान देगा कि ऐसे लोग अगर कैंपस में रहते हैं एम्बुलेंस के साथ या कुछ इस तरह के का काम करते हैं तो वो कैंपस से दूर किया जाएगा। प्रबंधन इस पर जरूर कार्रवाई करेगा। ये धंधा बरगद के पेड़ की तरह फल भी रहा है, फूल भी रहा है, और जब फल फूल रहा है तो खाद पानी भी रिम्स से ही मिल रहा होगा। ऐसा कौन है जो इस बात को नहीं जानता? लेकिन सब के जानते हुए भी सब चल ही तो रहा है, और जो न चलता तो सिस्टम थोड़ी कहलाता। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी कुणाल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।